सिरेमिक कोटिंग का अपना बहुत फ़ायदा होता है दोस्तों। ये जो किया सेल्टोस मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पहले का आपने देखो पिक्चर, इसमें कैसा क्वालिटी दिख रहा था, बाद में कैसा दिख रहा है। और यार मैं पहले यही सोचता था कि सिरेमिक कोटिंग कराऊं ना कराऊं। और पहले क्या था कि मैंने एक बार कराया भी था बहुत पहले, लेकिन मैंने शोरूम से ही कराया था। किस लेवल का सिरेमिक कोटिंग कर रहे हैं, कितना वैलिडिटी है, वो नहीं पता होता था। और एक्चुअल जो इफेक्ट होता है ना सिरेमिक कोटिंग का, वो भी मेरे को नहीं पता था। बट द टाइम मेरे भाई ने कहा, उसने सिरेमिक कोटिंग अपने जीप पे कराया, एंड आई सॉ द डिफरेंस यार, कि सिरेमिक कोटिंग भी काफ़ी मतलब एक बेहतरीन लुक आपको, मतलब जो शाइनी लुक होता है ना, वो ले आता है। मैंने जो किया सेल्टोस पे कराया है, ये जो है ये आपका सिंगल कोट कराया है, इसमें डबल कोट ट्रिपल कोट भी होता है, और 12,000 से स्टार्ट होता है और 40,000 रुपए तक जाता है इसका कॉस्टिंग। और सिरेमिक कोटिंग कराने का बहुत से फायदे हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप देखोगे तो एक तो शाइनी लुक आता ही है, दूसरा आपका यूवी प्रोटेक्शन देता है। और मुझको जो डाउट था कि यार सिरेमिक कोटिंग करने के बाद अगर उसको रेगुलरली कोई क्लीन कर देगा, हाँ गंदे कपड़े से नहीं, जो माइक्रोफाइबर क्लीनर आते हैं कपड़े, उनसे ही क्लीन करने का मतलब है, और उससे काफ़ी मतलब धूल आसानी से हट जाता है, और अगर गंदगी इसके ऊपर आप गिराओ तो वो भी मतलब बहुत आसानी से क्लियर ऑफ हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत लोगों को ये डाउट है कि भाई मैं 12,000 रुपये 15,000 रुपये सिरेमिक कोटिंग पे क्यों लगाऊं, क्या ये मेरा कोई बस एक दो दिन का शाइनिंग होगा एंड ऑल। नहीं यार, मैंने इसको एक हफ्ता चेक किया अभी फिलहाल, और इसका लाइफ लोग कहते हैं एक साल रहेगा, एंड आई एम नॉट श्योर। अभी तो फिलहाल मैं एक हफ्ते से इस गाड़ी में सोचा, एक हफ्ते पहले देख लूँ कि क्या फ़ायदा होता है, और वैसा का वैसा साइन मेंटेन्ड है। हाँ, मैंने अपने जो कार क्लीनर है उसको बोल दिया कि भाई आप माइक्रोफाइबर ही यूज़ करो, माइक्रोफाइबर कपड़ा यूज़ करो, कोई और कपड़ा मत यूज़ करो, नहीं तो स्क्रैच आने का डर है। बट मैंने ये देखा कि जो पहले स्क्रैचेस आपके दिखते हैं ना, जो नॉर्मल गंदे कपड़े से क्लीन करने से एक अजीब सा गाड़ी में निशान दिखता है, और वो सब ख़त्म हो गए। वो सब मेरे को कहीं भी कोई भी वैसा अब प्रॉब्लम नहीं दिखता। और गाड़ी एक्चुअल में लोगों ने बोला, भाई नई गाड़ी खरीद के लाए हो क्या, सिरेमिक कोटिंग। मैंने 12,000 वाला कराया है, मुझको डिस्काउंट भी पड़ा एक्चुअली, मैंने फरीदाबाद से कराया है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे दूंगा। और नॉर्मली स्टार्ट होता है, कहीं और हमने पता किया था तो 15,000 से स्टार्ट होता है और 40,000 तक जाता है डबल लेयर ट्रिपल लेयर कोटिंग के अकॉर्डिंग। एंड इन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे सर्विस प्रोवाइड किया, बिल्कुल। अगर आप गाड़ी के अंदर भी अगर आप देखोगे, क्लीनिंग कितनी अच्छी करके दी है गाड़ी की, विथ जो प्रॉपर सर्विस वाला ऑप्शन होता है, उसमें आपको नीचे पेपर लगा के देते हैं। और अंदर भी इन्होंने जो पॉलिश किया है वो वैसा नहीं है जो आँख पे मतलब नहीं रिफ्लेक्शन मारता है एंड ऑल, बट इन्होंने अंदर भी काफ़ी अच्छा क्लीनिंग कहो या जो कहो, कोटिंग ऑल्सो आई थिंक सो। और ये जो कोटिंग करते हैं, ये लाइट्स पर, बॉडी, हर जगह ऊपर नीचे करते हैं। और आई एम रियली हैप्पी कि क्या क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं, वो सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगा कि क्या मुझको इन्होंने बताया क्या क्या फ़ायदे सिरेमिक कोटिंग्स के होते हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये था कि भाई सिरेमिक कोटिंग को लेके मैं बहुत कंफ्यूज था, पीपीएफ के बारे में जानता था, बट वो बहुत काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और कितना यूजफुल रहेगा पुरानी गाड़ियों में पीपीएफ कराने का मतलब नहीं, नई गाड़ी खरीदो तभी पीपीएफ कराओ। लेकिन अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, साल भर यूज़ कर चुके हो, 6 महीने यूज़ कर चुके हो, फिर क्या कराएं यार, फिर तो कोई ऑप्शन होता नहीं। उस केस में सिरेमिक कोटिंग ही एक ऑप्शन होता है जो मुझको लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। लेकिन कहाँ से करा रहे हो वो भी मैटर करता है। शोरूम वाले भी कहते हैं कि आपका सिरेमिक कोटिंग कर देंगे, बट वो एक बेसिक वाला करते हैं जो 4-5 हज़ार रुपये बोलते हैं, 5,000 में, तब वही लगता था कि 5,000 में सिरेमिक कोटिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे यार, वो एक कोट चढ़ाते हैं या क्या करते हैं, वो ज़्यादा दिन साइन दिखता नहीं है, जबकि उसमें वो वारंटी भी देते हैं। लेकिन जब मैंने यही चीज़ बाहर से करवाई, तब मेरे को डिफरेंस दिखा, भाई सिरेमिक कोटिंग ये होती है, ये साइन होता है जिसको हम कहते हैं कि भाई हाँ इसमें कुछ मजा आ गया है। अगर आप चाहते हो कि मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊं इस पर, कंप्लीट थोड़ा सा इन डेप्थ वीडियो बनाऊं, तो मैं वो भी बनाऊंगा, बट अभी समय के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा जो लोग सिरेमिक कोटिंग के बारे में सोच रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन रियली कराने के बाद आई एम लिटरली हैप्पी। हाँ, मैं मतलब मेरी पुरानी गाड़ी नई सी हो गई, एंड दिस इज़ वेरी गुड थिंग यार, आई लव इट। चलो मिलते हैं इस तरह के वीडियो में, और मेरा वीडियो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, इस तरह के वीडियो मैं आगे बनाते रहूँगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।